दोस्तों, रंगों की एक अपनी दुनिया होती है। आसमान नीला, सूरज लाल, पीला और चमकीला, हमारे शरीर का रंग गोरा, गेहुआ, सांवला वगैरह, ये तो हुए नेचुरल रंग। लेकिन मैन मेड चीजों के रंग हम अपनी सुविधा और जरूरत के अनुसार तैयार करते हैं। आपने सड़क पर चलने वाले वाहन बहुतेरे रंगों में देखे होंगे, लेकिन सभी में जो एक बात कॉमन होती है वह है उनके टायरों का रंग। क्या आपने कभी सोचा है कि बाइक और कार से लेकर बड़े बड़े वाहनों के टायर का रंग काला क्यों होता है? बच्चों की साइकिल की तरह उनके टायर लाल, पीले, हरे या अन्य किसी रंग के क्यों नहीं होते? होंगे तो खूबसूरत दिखेंगे ना, लेकिन टायरों के खूबसूरत होने से ज़्यादा उनका मजबूत होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। टायर का जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना है। जब रबड़ की खोज हुई, फिर जब उससे टायर बनाने जाने लगे तो वे बहुत जल्दी घिस जाते थे। इसके बाद थोड़ी और रिसर्च की गई और पाया गया कि रबड़ में कार्बन और सल्फर मिलाकर इसे मजबूत किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि रबड़ का प्राकृतिक रंग काला नहीं होता, लेकिन जब इसमें कार्बन और सल्फर मिलाया जाता है तो इसका रंग काला हो जाता है। क्या आपको पता है कच्चा रबड़ हल्के पीले रंग का होता है, लेकिन टायर बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है ताकि रबड़ जल्दी न घिसे। मजबूती के लिए ही इसमें कार्बन मिलाया जाता है। कार्बन का रंग काला होता है, इसलिए टायर भी काले होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सादा रबड़ का जो टायर होता है वो करीब 8000 किलोमीटर चल सकता है, वहीं कार्बन युक्त रबड़ का टायर 1,00,000 किलोमीटर तक चल सकता है। कार्बन के साथ इसमें सल्फर भी मिलाया जाता है।